हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल फिजिक्स एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलेक्स मेथड के बारे में। देखो, पैरेलेक्स मेथड है क्या। अगर हमको कहा जाए किसी ऑब्जेक्ट का मतलब लेंथ मेज़र करने को, या फिर दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस मेज़र करने को, तो अगर वो छोटा डिस्टेंस है तो वी कैन ईजिली मेज़र इट बाई यूजिंग अ मीटर स्केल। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस हो, बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा, यानी मान लो कि हमको पता करना है अर्थ से मून के बीच का डिस्टेंस, अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस, मान लो अर्थ से किसी और स्टार के बीच का डिस्टेंस, मतलब, और ये डिस्टेंस हम लोग को पता है आज, तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे? क्या ये कभी भी प्रैक्टिकल होगा कि हम मीटर स्केल का यूज़ करके अर्थ से मून का डिस्टेंस या फिर अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर करें? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सब डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं? आज हमको पता है कि अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है, अर्थ से बहुत सारे स्टार्स का डिस्टेंस पता है। तो हमें कैसे पता चला? तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हैं, और उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पैरेलेक्स मेथड। ठीक है, तो देखो इस टेक्निक में होता क्या है। जैसे मान लो ये कोई प्लैनेट है, इसको हम एस नाम देते हैं, और वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है कि इसको हम अर्थ के दो पॉइंट्स, मान लो दो पॉइंट्स अर्थ पे ए और बी, दोनों पॉइंट से इसको हम देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लो ए से हमने देखा, तो ये ए से एस का बीच का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। फिर बी से हमने इसे एस को देखा, तो बी से एस के बीच का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। तो दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या बना, थीटा एंगल बना। इस थीटा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू पैरेलेक्स मेथड, पैरेलेक्स एंगल एंगल, और इसको क्या बोल सकते हैं, पैरेलेटिक एंगल। ठीक है, और ये जो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और ये कहलाता है बेस। बीस कल टू क्या कहलाता है, बेस। और मान लो ये जो डिस्टेंस है ये डी है, मान लो डी है, मतलब ए से प्लैनेट का डिस्टेंस या बी से प्लैनेट का डिस्टेंस, ये लगभग एक ही होगा, ये डी है। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे ये डिस्टेंस डी को मेजर करेंगे। इससे बताने से पहले मैं थोड़ा रिवीजन तुम लोग को करवा देता हूँ, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था प्लेन एंगल के बारे में। देखो प्लेन एंगल में क्या होता है कि मान लो ये कोई प्लेन एंगल है, थीटा है, हमें पता करना है कि प्लेन एंगल कितना है रेडियन में, रेडियन में इसका मेजरमेंट कितना है। तो यहाँ पे ओ को वर्टेक्स मान के हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे आर रेडियस का, तो ये आर कटेगा इस एंगल के द्वारा एस, तो थीटा बराबर क्या होगा, एस बाई आर क्या, रेडियन। मान लो कि थीटा बहुत स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तब क्या है, सुनो, मान लो इस पॉइंट को हम ए मानते हैं और इस पॉइंट को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। देखो अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो ये जो एस डिस्टेंस है और ये ए बी डिस्टेंस है, ए बी जो स्ट्रेट लाइन है, ये लगभग बराबर ही होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, थीटा छोटा होना चाहिए। तो हम लोग अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम लोग थीटा बराबर ए बी बाई आर, भी यहाँ पे आर रेडियन ये भी लिख सकते हैं। देखो इसी चीज का हम लोग यहाँ पे पैरेलेक्स मेथड में यूज करेंगे। देखो अर्थ से जो प्लैनेट का डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ, वो क्या है, डी, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी। तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये बहुत ही छोटा एंगल बनेगा, बहुत ही छोटा एंगल। जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, यहाँ हमको एंगल बनाना है, मान लो कि ये ज्यादा दूरी है, ऐसे मान लो ये दूरी यहां से ज्यादा दूर हो जाए हम, तो एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और दूर चल जाएंगे तो एंगल क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही दूरी पे डिस्टेंस से अगर हम एंगल यहाँ बनाएंगे तो क्या होगा, छोटा एंगल होता जाएगा। तो यहीं पे यहाँ होगा, पैरेलेक्स मेथड में ही होता, ये एंगल क्या होगा तुम्हारा, ये थीटा बहुत छोटा एंगल, थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल एंगल है तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी। ठीक है, लेकिन मतलब क्या, बी बाई डी और रेडियन, ये क्या होगा वैल्यू, रेडियन में होगा। तो डी मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ बराबर क्या होगा, बी बाई थीटा इन रेडियन। तो देखो यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मेरा किसी भी प्लैनेट का, चाहे स्टार का चाहे सन का,
उसका डिस्टेंस मतलब अर्थ से पता करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस बना लिया जाए। देखो एक क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर जो मैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 2.3। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1°54' गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी 1.276 × 10⁻¹⁷ मीटर। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। देखो मान लो यही मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, ये मान लो दिस इज आवर अर्थ, ये मान लो मून है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी, मतलब यही है डायमीटर है अर्थ का। तो एक पॉइंट ए है, यहाँ बी है, ये बीस को मान लेते हैं, डायमीटर को बी मान लेते हैं, इसका सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से पहले ए से ऑब्जर्व किया गया, फिर बी से ऑब्जर्व किया गया मून को, ऐसे ऐसे दिया देखा गया, फिर बी से ऑब्जर्व किया गया। तो ये दोनों डायरेक्शन के बीच का जो एंगल बना थीटा, जो इसको पैरालेटिक एंगल या फिर पैरालेक्स एंगल भी बोलते हैं, वो थीटा कितना बना, 1°54'। अब इसको देखो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। तो 1°54' में कितना मिनट, यानी तुम्हारा हो गया 114 मिनट, यानी 114 मिनट। ठीक है, और ये जो डायमीटर है बी, मतलब जो बेस है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी इसको जो दिया है, इट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये दिया हुआ है तुम्हारा 1.276 × 10⁷ मीटर। तो हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, ये मून है यहाँ पे, ये डी पता करना है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किया था, पैरालेक्स मेथड का फॉर्मूला, वो क्या बताया था मैंने, डी इज कल टू बी बाई थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले ये जो थी, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो थीटा जो होता है ये रेडियन में होता है। ठीक है, तो पहले लेकिन हमें थीटा जो पता है वो किसमें है, 1.14 मिनट में, तो इसको रेडियन बदलेंगे। तो देखो मैंने पिछले ही क्लास में तुम लोग को बताया था कि 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, 1 मिनट में होता है तुम्हारा 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। तो यहां पे कितना है, 144 मिनट है, तो 144 मिनट में कितना रेडियन होगा, इतना रेडियन होगा, तो इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3.32 × 10⁻²। ठीक है, तो हमें थीटा पता चल गया रेडियन में, तो बस इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है वैल्यू को। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी है मेरा 1.276 × 10⁷ मीटर बाय थीटा, रेडियन में है, तो 3.32 × 10⁻²। देखो रेडियन जब कैलकुलेशन में रेडियन नहीं लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा, इसको कर सकते हो 3.84 × 10⁸ मीटर। ठीक है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 384,000 किलोमीटर ये आता है। तो देखो, तो ये पैरालेक्स मेथड हुआ जिससे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस
मतलब डिस्टेंस बिटवीन मून फ्रॉम अर्थ फ्रॉम सन टू अर्थ, ये सब पता कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो भी फिर पैरालिटिक मेथड पर ही होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और बस लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।